जावा स्विंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जे स्क्रॉल पेन के बारे में। दोस्तों बाय डिफॉल्ट जे टेक्स्ट एरिया में हमें स्क्रॉल बार्स की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे जे स्क्रॉल पेन की मदद से अचीव कर सकते हैं। इसे अच्छे से समझेंगे, चलते हैं नेटबीन्स में। और यहाँ मैंने एक जे टेक्स्ट एरिया का बेसिक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, जिसमें मैंने क्या किया है कि एक फ्रेम लिया हुआ है और उसमें फ्लो लेआउट सेट कर दिया है, एक टेक्स्ट एरिया लिया है और उसमें मैंने फ्रेम में ऐड कर दिया है। इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ जैसे ही, और ये इसके बॉर्डर पे पहुँचता है टेक्स्ट एरिया के। तो अभी क्योंकि इसमें फ्लो लेआउट सेट किया हुआ है तो ये अपने साइज़ को इनक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता अगर नल लेआउट सेट किया होता तो इसका साइज़ फिक्स होता, उस केस में मैं अपना पूरा कंपोनेंट नहीं देख पाता, ठीक है। तो अगर मैं इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि ये अपना साइज़ को इनक्रीज़ ना करने के बजाय मैं मुझे स्क्रॉल बार्स लगा के दे दे, ठीक है। जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि स्क्रॉल बार को लेफ़्ट राइट या अप डाउन करके अपने सारा कंटेंट जो भी है देख सकता हूँ, ठीक है, आसानी से। तो इसमें टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल बार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जे स्क्रॉल पेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जे स्क्रॉल पेन, और इस टेक्स्ट एरिया को डायरेक्टली मैं इसमें ऐड ना करके, ठीक है, जे टेक्स्ट एरिया को मैं फ्रेम में ऐड ना करके जे स्क्रॉल पेन में ऐड करूँगा, ठीक है। तो जे स्क्रॉल पेन एस पी इज्कल टू न्यू जे स्क्रॉल, जे स्क्रॉल पेन, ठीक है। और इसमें इसमें मुझे बेसिकली तीन पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो भी हमें कंपोनेंट स्क्रॉल पेन के अंदर दिखाना है, ठीक है, तो हमें टेक्स्ट एरिया दिखाना है, ठीक है। दूसरा हमें वर्टिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार का टाइप बताना है, मतलब किस तरह से आप उसको शो कराना चाहेंगे। तो उसके लिए हम उसके लिए जे स्क्रॉल पेन के क्लास के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट डिफाइंड है, तो हम उसे लिखते हैं जे स्क्रॉल पेन डॉट वर्टिकल, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर है वर्टिकल स्क्रॉल बार का टाइप। तो आप उसे कैसे दिखाना चाहेंगे, आप उसे ऑलवेज दिखाना चाहेंगे मतलब हमेशा ही स्क्रॉल बार शो हो, या एज नीडेड, या एज मतलब नेवर, कभी शो ही नहीं हो। तो अभी के लिए मैं ऑलवेज पर क्लिक कर देता हूँ, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल के लिए जे स्क्रॉल पेन डॉट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑलवेज, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया है कि टेक्स्ट एरिया को डायरेक्टली फ्रेम में ऐड ना करके मैंने क्या किया है कि जे स्क्रॉल पेन में ऐड कर दिया है, ठीक है। और अभी मैं फ्रेम में से इसे हटा देता हूँ, लेकिन मैंने टेक्स्ट एरिया को इसमें तो ऐड कर दिया, लेकिन फ्रेम में जब कुछ ऐड ही नहीं होगा तो दिखेगा क्या। तो हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट एरिया को मैंने स्क्रॉल पेन में ऐड कर दिया और स्क्रॉल पेन को हम फ्रेम में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसे राइट क्लिक करके आपको शो करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रॉल बार्स बने आ गए हैं, ये रहे, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलवेज पर टिक किया हुआ है, मतलब ऑलवेज पैरामीटर पास करे हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों ऑलवेज पर चुने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इसलिए ऑलवेज हमेशा ही दिख रहे हैं अभी हमें, ठीक है। और जैसे ही मैं जैसे आप देख सकते हैं बॉर्डर पर पहुँचा, तो आप देख सकते हैं नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नज़र आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एंटर करके करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ कि इन्हें ऑलवेज से हटा के एज नीडेड पर कर देता हूँ, ठीक है, एज नीडेड, ठीक है। इसी तरह से इसे भी कर देता हूँ एज नीडेड, ओके। चलिए, अभी राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम मुझे यहाँ स्क्रॉल बार्स नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। पहले हमने ऑलवेज किया हुआ था इसलिए नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पे पहुँचता हूँ, आप देखेंगे कि
मुझे स्क्रॉल बार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने एज नीडेड पर जैसे ही ज़रूरत हो वैसे ही स्क्रॉल बार आ जाएँ। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जे टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल बार्स लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।